हर दौर में ऐसा हुआ है कि जब किसी को समझाया जाए और उसका नफ्स ना मान रहा हो, उसके नफ्स पे शक हो, तो वो फिर कब बात मानता है। जब मेरे हुजूर ने लोगों को समझाया कि तुम गलत राहों पे हो, तो वो मानने के लिए तैयार थे, लेकिन क्या ये कह के रास्ता फरार का इख्तियार किया गया कि ये दौर नहीं रहा कहने का, ठीक है अपनी मर्जी जाएं जहन्नम में, कहा नहीं, तुम मानो ना मानो मैं तुम्हारी दहलीज तक पहुंच के अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊंगा। तो क्या आज अगर कोई बच्चा हमारे पे नाराज हो जाता है सख्ती करने की वजह से, तो उसकी नाराजगी के डर की वजह से उसको हम नहीं कहेंगे? तो ऐसा नहीं होता। वक्ती तौर पे अगर उसको समझ नहीं भी आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा वो समझेगा कि मेरा खैर का ये था। वो उस्ताद, वो मुरब्बी हमारे जिन्होंने सख्ती की हमारे ऊपर, और फिर आज हम किसी मंजिल पे अगर पहुँचे, तो हम उनके शुक्रगुजार होते हैं कि नहीं होते हैं? कि फलां उस्ताद फलां ज़माने में बड़ी सख्ती की, लेकिन हम पढ़े ही उसकी वजह से। तो माँ बाप सख्ती करता है बचपने की उम्र, लड़कपन का ज़माना, तो औलाद को बास कर माँ बाप की बातें जो है वो अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन माँ बाप का एक हया अदब होता है, तो कबूल तो उनको करना ही पड़ता है। उस वक्त वो कहते हैं शायद माँ बाप हमारे पे नाजायज़ सख्ती कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है तो वो समझते हैं कि हम सबर के निखर के जो मुआशरे का हुस्न बने, ये माँ बाप ने तराशा था तो ऐसे बने, फिर वो माँ बाप के शुक्रगुजार होते हैं। तो इसलिए आप किसी से हमदर्दी करें तो वक्ती तौर पे तो उसको तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आपका शुक्रगुजार होगा। अल्लामा रूमी ने इस पर एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, कहते हैं एक शख्स दरख्त के नीचे लेटा हुआ था और कराटे ले रहा था, एक छोटा सा सांप आया और उसके मुंह के अंदर घुस गया, और एक शख्स गुजर रहा था उसने देख लिया। वो बड़ा परेशान हुआ कि अगर मैंने इसको बेदार करके कहा कि तेरे अंदर सांप घुस गया है तो ये खौफ से मर जाएगा, अब क्या करूं? तो उसने एक छड़ी से उसको जोर से मारा, वो हड़बड़ा के उठा, क्या हुआ? उसने एक और छोड़ी, उसने भागना शुरू कर दिया, वो भी उसके पीछे भागने लगा, उसकी रफ्तार कम होने लगती तो एक और मारता। क्या खुदाया क्या मुसीबत है, मैंने इसको क्या कहा, मैं तो आराम से सोया हुआ था दरख्त के नीचे, लेकिन वो एकदम घबराहट का शिकार आगे भागता चला जाता है। आगे कोई बाग आ गया तो उसमें फ्रूट लटक रहा था, तो कहा कि खाओ। अजीब आदमी है, मारता है और कहता है खाओ। उसने खाया, कहा और खाओ। उसने कहा बाबा बस मेरी बस होगी, कहा नहीं और खाओ। उसने और खाया, साथ जो है वो पानी का कुआं था, कहा यहाँ से पानी पियो। उसने थोड़ा सा पानी पिया, उसने जोर से डंडा मारा और पियो, उसने और पी लिया। रूमी कहते हैं कि वो बंदा बड़ा हैरान कि अजीब मेरा दुश्मन है, कभी मारता है, कभी फल खिलाता है, कभी पानी पिलाता है। उसने कहा मेरे से और नहीं पिया जाता। उसने कहा पीता है कि नहीं, एक और छोड़ी। तो उसने और पानी पी लिया, कहा चलो धोड़ो। जब बंदे ने कुछ खाया हो ताज़ा ताज़ा और धोड़े, तो फिर जो हालत होती है वो आपसे मख्फी नहीं है। तो फिर दौड़ने लगा, तो आगे जब गया तो कोई ठोकर लग गई, पानी पिया था भरपूर और फ्रूट खाया था, और पहले भी दौड़ भाग के आया था, अब भी दौड़ना शुरू कर दिया, और पीछे से जो है वो हाथ में डंडा पकड़ा, वो रहम कर ही नहीं रहा, थोड़ा सा ढीला होने लगता है तो जोर से मारता, दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते? तो ठोकर लगी, गिरा, साथ ही कह आई और सांप निकल के बाहर आ गया, और वो लहराता हुआ जा रहा था। उसने उसको पकड़ के सीने से लगा लिया, कहा मैं तेरा दुश्मन नहीं था, लेकिन तेरा इलाज यही था, तो मैंने तुझको इतना मारा है, मैं तुझसे माजरत करता हूँ। उसने कहा मैं तेरे से माजरत करता हूँ, जो मुझे तेरे पे गुस्सा आता रहा, इसलिए कि तू मेरा खैर खा था। जब हकीकत सामने आती है तो फिर पता चलता है कि कौन किसी का खैर खा है और कौन किसी का दुश्मन है। इसलिए खैर खाही के जज्बे के साथ, अद्दीन व नसीहा, दीन है ही खैर खाही। तो खैर खाही कभी इस तरह होती है कि आप किसी की खैर खाही कर रहे होते हैं, उसे लग रहा होता है कि ये मेरी खैर खाही कर रहे हैं, और वो आपका उस वक्त ही शुक्रगुजार होता है। और कभी ऐसा होता है आप उसकी खैर खाही कर रहे होते हैं, उसको नहीं लग रहा होता कि ये मेरी खैर खाही कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जब उसको बाद में समझ आती है कि इसने मेरी खैर खाही की है, तो फिर वो आपका शुक्रगुजार होता है। और कभी ऐसा होता है उसको बाद में भी नहीं पता चलता इसने मेरी खैर खाही की है, लेकिन तुम्हारा रब जानता है। वो अगर राई के दाने के बराबर भी नेकी हो
और वो किसी पहाड़ में भी हो तुम्हारा रब उसको भी ले आएगा। इसलिए लोगों के साथ उसने सलूक करो और नेकी का हुक्म दो, लोगों की बेहतरी का सोचो, तो इससे तुम्हारा रब तुमसे राजी होगा।